सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करेंगे वीवो के एक न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि होने वाला वीवो की तरफ से वीवो Y72। ये पहला स्मार्टफोन होगा वीवो की वाई सीरीज का जो कि एक 5G स्मार्टफोन होगा। दोस्तों, इसकी अगर हम मेन हाईलाइट की बात करें तो वो होगा इसका चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, वीवो कभी भी आपको अपने स्मार्टफोन में एक बढ़िया चिपसेट प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन मिड रेंज सेगमेंट के कस्टमर के हिसाब से इसमें आपको एकदम बढ़िया चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो, आप भी एक 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसके कंप्लीटली स्पेसिफिकेशन के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो जाएगा और क्या इसका प्राइस रहने वाला है। तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए फिर बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट, जो कि एक बढ़िया चिपसेट है, जिससे आपकी गेमिंग और आपकी फोन की जो परफॉर्मेंस होगी काफी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसके स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर आपको सिंगल वेरिएंट अवेलेबल कराया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, वहीं 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें तो आप जानते हैं वीवो के कैमरा तो पहले से ही बेटर होते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी एंड इमेज क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। वही दोस्तों, ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 11 बेस्ड OS 11.1 पर काम करता है। वही अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5000mAh की बैटरी, जो कि आएगी 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ। इस बार वीवो ने कमाल किया कि आपको 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड कराई है। वहीं अगर हम इसके एडिशनल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, USB टाइप सी पोर्ट और हाइब्रिड सिम स्लॉट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं अगर हम इसके कलर वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आएगा ड्रीम ग्लो ग्रेफाइट ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ। दोस्तों, अगर हम इसके लॉन्च डेट की बात करें तो ये इसी महीने जुलाई के मिड तक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 18 से 20 हज़ार की रेंज में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो आप जो है इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।